न्यूटन ने एक एप्पल के गिरने से ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, पर आइंस्टाइन के मुताबिक इस एप्पल के गिरने की वजह ग्रेविटी नहीं है, बल्कि जब हम एप्पल को छोड़ते हैं ना तो एप्पल जमीन पर गिरता ही नहीं है, बल्कि अर्थ खुद ऊपर आकर एप्पल से टकराती है। क्योंकि जिस ग्रेविटी को हम मैग्नेट्स की तरह दो मैसेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं ना, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना अर्थ पर, ना ही किसी ब्लैक होल के आसपास, और ना ही इस पूरे यूनिवर्स में। वेल, ये है आइंस्टाइन के जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का रिवर मॉडल एनालॉजी, जिसमें कई अलग अलग टेस्ट एंड थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम आज ये प्रूव करने वाले हैं कि हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाने वाली ग्रेविटी बस एक इल्यूजन है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की माने तो जब कोई इंसान किसी घर की छत से नीचे की ओर गिरता है तब वो फॉलिंग स्टेट उसके लिए सबसे खुशी का पल है, क्योंकि सही मायने में उस मोमेंट में उस इंसान की बॉडी पर किसी भी तरह की फोर्स काम नहीं करती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपके पास आ गया है मौका। वेल जी हाँ, इंडिया के पास मौका है पाक को हराने का, और आपके पास मौका है आईफोन 15 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, साथ में आपको मिलेगा आईपैड और एप्पल वॉच भी, मतलब पूरा का पूरा एप्पल बंडल आपके घर। इससे बड़ा मौका और क्या ही होगा। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे आप यहाँ पर कहेंगे कि कैसे नहीं करती, वो इंसान लिटरली छत से नीचे ग्रेविटी के कारण गिर रहा है और हर वक्त ग्रेविटी उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर धरती की ओर एक्सेलरेट कर रही है, जब तक कि वो धरती से जाकर टकरा नहीं जाता। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर गलत है, क्योंकि आप अर्थ की ओर एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे, बल्कि आप तो सिर्फ ऊपर हवा में तैर रहे हो, और वो अर्थ है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर उठकर आती है और आपसे जाकर हिट करती है। पर यहाँ पर अर्थ स्पेस टाइम की 4 डायमेंशन में कैसे एक्सेलरेट कर रही है? वेल, इसका जवाब हमें आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रिवर मॉडल से मिलता है। आई नो कि ये सब चीजें आपके लिए काफी क्रेजी साउंड कर रही होगी, बट एज आई सेड, ये मेरा नहीं बल्कि खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। वैसे इसी तरह का एक एग्जाम्पल गौरव ने अपने गेट सेट फ्लाई चैनल पर दिया था, और इस पर हमारा एक पूरा डिटेल डिस्कशन भी हुआ था, जिसे आप हमारे पॉडकास्ट में जाकर देख सकते हो। पर यार, वहां पर भी हम इतने डिटेल्स में नहीं जा पाए जितने आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको यकीन दिला देगी कि ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। अच्छा, चलो सिंपली समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब इमेजिन करो कि आप एक स्पेसशिप में हैं जो कॉन्स्टेंटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्पेस में ट्रेवल कर रही है। इस सिचुएशन में आप बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर होने की तरह अपना वेट महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेसशिप के एक्सेलरेशन के कारण वो आपके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है जो आपको स्पेसशिप के फ्लोर से चिपकाए रखता है। और दोस्तों, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस स्पेसशिप की ही तरह अर्थ या फिर यूनिवर्स में मौजूद कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस एंड टाइम की 4 डायमेंशन में एक्सेलरेट करता है। अब आइंस्टाइन का कहना था कि ये दोनों ही सिनेरियोस बिल्कुल इक्विवेलेंट है, चाहे आप किसी स्पेसशिप में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एक्सेलरेट हो रहे हो या फिर अर्थ पर खड़े हो, क्योंकि इस 4 डायमेंशनल स्पेस में अर्थ भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। अब इसे समझने के लिए मान लीजिए आप किसी छत से नीचे की ओर गिर रहे हैं, तब गिरते वक्त आप अपनी पॉकेट से कोई चीज, फॉर एन एग्जांपल एक एप्पल गिराते हैं। ऐसे में आप देखोगे कि आप और आपकी पॉकेट से गिराया गया वो एप्पल दोनों ही एक ही मोमेंटम वेलोसिटी पर गिरते हैं, जबकि हमने अपनी बुक्स में न्यूटन्स लॉज में पढ़ा है कि ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है। अब इस सिचुएशन में तो आपके गिरने की और आपके द्वारा गिराए गए एप्पल की स्पीड दोनों के डिफरेंट मैसेस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। अच्छा रुकिए, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम है ना। तो दोस्तों, ये है मेरे हाथों में दो अलग अलग मैसेस के बोतल, जिनमें से ये वाला बोतल पूरा भरा हुआ है और ये आधा खाली है। अब न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से इन दोनों मैसेस को अर्थ पे अलग अलग टाइम पे गिरना चाहिए था, लेकिन क्या होता है जब मैं उस ऊंचाई पे जा करके इन दोनों बोतल्स को एक साथ गिराऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो इन्हें गिराते हैं, 1, 2 एंड 3। अच्छा, तो अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेल, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, अर्थ की ओर गिरती हुई कोई भी चीज नीचे की ओर गिरती ही नहीं है, क्योंकि जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बल्कि जब कोई चीज फ्री फॉलिंग स्टेट में होती है ना तो वो गिर नहीं रही होती, बल्कि अर्थ
9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन स्पीड से उसे जाकर हिट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ 14 अक्टूबर के इंडिया वर्सेस पाक मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एप्पल के 3 शानदार प्रोडक्ट्स। फर्स्ट प्राइज में मिलेगा आईफोन 15, सेकंड प्राइज में मिलेगा आईपैड और थर्ड में एप्पल वॉच। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी है सिर्फ और सिर्फ ₹1। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए, तो इसे मिस मत करना। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइस में जीतो पूरे 1 करोड़ प्राइज और साथ ही में हर दिन नए और बड़े प्राइजेस। नाउ इफ यू डाउनलोड फ्रॉम द बिलो लिंक एंड यूज माय कूपन कोड, यू विल गेट 20% एक्स्ट्रा रियल कैश इनटू योर माय 11 सर्कल अकाउंट। सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाउ। अच्छा चलिए, एग्जांपल तो हमने देख लिया, पर आखिर ये इतना इलॉजिकल क्यों लगता है और हमारी पृथ्वी आखिर 4-डायमेंशनल स्पेस टाइम में एक साथ कैसे एक्सेलरेट कर सकती है? इसके लिए हमें जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रिवर मॉडल एनालॉजी को अच्छे से समझना होगा। तो साल 1905 से 1915 तक आइंस्टाइन ने टोटल 2 रेवोल्यूशनरी थियरीज दी जिन्होंने हमारी साइंस की अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहली थियरी थी स्पेशल रिलेटिविटी, जो 4-डायमेंशनल स्पेस टाइम स्ट्रक्चर और उसमें ग्रेविटी की एब्सेंस में होने वाले फिजिकल फेनोमेनास को एक्सप्लेन करती है। एंड दूसरी थियरी थी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड उसके नेचर के साथ रिलेशन को एक्सप्लोर करती है और बताती है कि जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं असल में वो ग्रेविटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बल्कि ये फोर्स जो हमें अर्थ से चिपका कर रखती है ना, वो तो कुछ और ही है। रिवर मॉडल एनालॉजी। तो दोस्तों, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की रिवर मॉडल एनालॉजी के मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स या फिर फील्ड नहीं है, बल्कि ये 4-डायमेंशनल स्पेस टाइम का मास एंड एनर्जी की ओर एक्सेलरेशन है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को एक नदी के बहाव की तरह उस एनर्जी एंड मास की ओर एक्सेलरेट करता है। नहीं समझे? अच्छा, इमेजिन करो एक एम्प्टी स्पेस को जिसके बीचों बीच अब एक मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब इसके चारों ओर एक सर्कल में हम पार्टिकल्स की रिंग्स बनाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट के केंद्र की ओर बढ़ने लगता है। इसी तरह हम लगातार कई रिंग्स बनाते रहेंगे जो लगातार पानी के बहने की तरह उस मैसिव ऑब्जेक्ट के केंद्र में समा जाएंगे। अब सोचो क्या होगा अगर ये पार्टिकल 3 डायमेंशन से उस ऑब्जेक्ट के अंदर समा रहे हो, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम इन पार्टिकल्स को 4-डायमेंशनल स्पेस टाइम मान सकते हैं, जो लगातार किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के केंद्र की ओर बहता रहता है। और ये पूरा एग्जांपल था आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रिवर मॉडल का, जिसमें आइंस्टाइन का कहना है कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ग्रेविटी तो केवल एक इल्यूजन है। और सही मायने में स्पेस टाइम का मैसिव ऑब्जेक्ट के केंद्र की ओर बहाव ही वो फोर्स जनरेट करता है जो हमें अर्थ से चिपका कर रखता है या फिर चंद्रमा और अदर सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर घुमाता रहता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही ले लीजिए, जो हमारे पर्सपेक्टिव से अर्थ के चारों ओर एक हेलिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, पर सही मायने में वो स्पेस टाइम में एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रहा है। पर क्योंकि अर्थ के मास के कारण स्पेस टाइम ही ट्विस्ट होता हुआ अर्थ के अंदर समाता जा रहा है, तो उसी फ्लो के कारण पूरा ISS और अर्थ के चारों ओर घूम रहा हर एक आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट इसी स्पेस के बहाव में एक स्ट्रेट पाथ पर होकर भी अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। और इन सभी एग्जांपल्स में ग्रेविटी जैसा कोई भी फोर्स ना तो एग्जिस्ट करती है और ना ही कभी काम करती है। पर सवाल उठता है, हाउ इज अर्थ एक्सेलरेटिंग इन 4 डायमेंशंस? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जनरल रिलेटिविटी कहती है कि यूनिवर्स में मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट अपने चारों ओर एक 4-डायमेंशन स्पेस टाइम अपने अंदर केंद्र की ओर सक कर लेते हैं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्योंकि ये यूनिवर्स ही पूरा का पूरा 4-डायमेंशन स्पेस टाइम से बना है, ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ अपने चारों ओर के 4D स्पेस में एक्सेलरेट कर रही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आइंस्टाइन के रिवर मॉडल में टेक्निकली सही बैठती है, क्योंकि अर्थ 4D स्पेस टाइम में एक्सेलरेट कर रही है तभी तो स्पेस टाइम उसके अंदर जा पा रहा है, और क्योंकि स्पेस टाइम उसके अंदर सक हो रहा है तभी तो अर्थ 3 डायमेंशंस में एक्सेलरेट कर पा रही है। अब ये लाइन ना आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक बार इसे दोबारा सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना अब एक और सीरियस क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जब हमारी पृथ्वी इन डायमेंशंस में लगातार हर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो इस हिसाब से तो अर्थ के हर हिस्से को अब तक टूटकर अलग हो जाना चाहिए था और पृथ्वी के सरफेस को हर एक डायरेक्शन में पूरी तरह से एक्सप्लोर हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? बट सवाल ये आता है, व्हाई डजंट अर्थ एक्सप्लोर विद इट्स एक्सेलरेशन इन ऑल डायरेक्शंस?
अब ये आपके लिए काफी सरप्राइजिंग होगा, बट मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट्स में चेंज किए बिना भी फोर डायमेंशन स्पेस टाइम में एक्सेलरेट हो सकता है, जिसे मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा प्रूफ भी किया गया है, जिसे आप खुद विकिपीडिया के इस पेज पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों, आइंस्टाइन के रिवर मॉडल में स्पेस टाइम के फ्लो को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इमेजिन करिए कि आप एक वाटरफॉल में अपनी मोटर बोट की मदद से वाटरफॉल करेंट्स यानी कि बहाव के डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आप वाटरफॉल के आगे से जितनी ज्यादा दूर होते हैं ना, आपको अपनी मोटर बोट को आगे बढ़ाने में उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे आप वाटरफॉल के एज के करीब जाते हैं, आपको अपनी मोटर बोट को स्टैटिक बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि एज पर पानी का बहाव सबसे ज्यादा तेज होता है। और यही सेम सिचुएशन किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की और स्पेस टाइम के फ्लो में भी होता है, जहां स्पेस डायमेंशन का ये फ्लो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के सेंटर के जितना करीब होता है ना, उतना ज्यादा एक्सेलरेट होता जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि अर्थ के सरफेस से किसी रॉकेट को उठाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, बजाय उसे कुछ 100 मीटर ऊपर जाकर स्पेस में ले जाने से। एस्केप वेलोसिटी इन रिवर मॉडल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड का स्पेस टाइम उसके अंदर केंद्र की ओर लगातार बहता रहता है, और जिस समय यह स्पेस अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है उस समय इसकी स्पीड 11.2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। इसीलिए अगर आपको अर्थ के अराउंड स्पेस के इस फ्लो के अगेंस्ट अर्थ से बाहर निकलना है ना, तो आपको भी मिनिमम 11.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी की ही जरूरत पड़ेगी। एंड डू यू नो कि यही हमारे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी भी है। How does space-time flow inside an accelerating rocket? अच्छा, इसके लिए ना एक बार दोबारा अपने रॉकेट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। तो हमारा रॉकेट अभी भी एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर पार्टिकल्स के एक स्पेशल ऑर्डर में लगाए गए ग्रिड्स को छोड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पार्टिकल्स भी स्पेसक्राफ्ट के फ्लोर में लगातार समाते जा रहे हैं। अब अगर पार्टिकल्स की इस ग्रिड की कंटिन्यूअस सप्लाई रखे, तो हम देखेंगे कि लगातार पार्टिकल्स की ये ग्रिड हमारे रॉकेट के फ्लोर में समाते जा रही है। अब यहाँ पर ये जो ग्रिड्स है ना, इसे ही हम एक 4D स्पेस टाइम की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो रॉकेट के एक्सेलरेशन के कारण खुद रॉकेट के फ्लोर में समा रहा है, एंड अपने साथ आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट को भी रॉकेट के फ्लोर की ओर ले जा रहा है। अब चाहे वो रॉकेट में फ्लोट कर रहा एप्पल हो या फिर ट्रैवल कर रही लाइट। हाँ, बिल्कुल, स्पेस में एक्सेलरेट कर रहे इस रॉकेट का इन्फ्लुएंस हम स्पेस टाइम की इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही लाइट पर भी देख सकते हैं, जिसे हम एक छोटे से इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये रॉकेट एक रुके हुए स्टेट में है, तब अगर हम इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर लाइट बीम छोड़ते हैं ना, तो हम देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में होती हुई दूसरे हिस्से से जाकर टकरा जाएगी। लेकिन अब अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन में ट्रैवल कर रहा है, तब अगर हम उस लाइट बीम को छोड़ते हैं, तब भी रॉकेट में बैठे ऑब्जर्वर के लिए तो वो लाइट एक लीनियर पाथ से ही होकर जाते हुए अपने पहले वाले पॉइंट पर जाकर टकराएगी। पर अगर हम ध्यान से सोचे तो लाइट के अपने सोर्स से निकलने के बाद दूसरे हिस्से तक पहुंचने से पहले ही स्पेसक्राफ्ट थोड़ा ऊपर तक एक्सेलरेट कर चुका था, यानी लॉजिकली तो अब लाइट को पहले वाले इस पॉइंट से थोड़ा नीचे की ओर टकराना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि लाइट बेंड होकर अपने पहले वाले पॉइंट पर ही जाकर टकराती है। और इसका कारण भी यही है, क्योंकि एक्सेलरेशन के दौरान स्पेस टाइम खुद बेंड हो जाता है, जिसके कारण लाइट बीम भी बेंड होकर अपने पहले वाले पॉइंट पर ही जाकर हिट करती है, जो कि रॉकेट में बैठे ऑब्जर्वर के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। साल 1915 में जब आइंस्टाइन ने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में अपने रिवर मॉडल एनालॉजी को इंट्रोड्यूस किया, तब भी आज की ही तरह बहुत से लोग शॉक हो गए थे, एंड ऑफ कोर्स उनके मन में बहुत से डाउट भी आ गए थे कि क्या सच में मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड स्पेस टाइम इस तरह से फ्लो होता है, जिसके चलते स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाली लाइट भी स्पेस टाइम के फ्लो में कर्व्ड हो जाती हो। लेकिन फिर साल 1919 में हुए एक सोलर एक्लिप्स के दौरान एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने लाइट के स्पेस में इस तरह से कर्व्ड पाथ में बहने के पहले प्रूफ देखे, क्योंकि 1919 में सोलर एक्लिप्स के दौरान सन के पीछे मौजूद कई स्टार्स को टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता था, जिनके रियल कोऑर्डिनेट्स इस तरह थे कि बिना लाइट के बेंड हुए उन्हें देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और फाइनली टेस्ट में यही सामने आया कि इन स्टार्स से जो लाइट अर्थ पर आ रही है, वो सन के मास के कारण कर्व्ड स्पेस टाइम में ट्रैवल होकर अर्थ तक पहुंचती है। वैसे इसके बाद तो हमने इसके कई प्रूफ ढूंढे हैं, और आज के टाइम में तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस प्रोसेस के कारण ही कई डिफरेंट गैलेक्सीज एंड स्टार्स को देख पाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं। रिवर मॉडल ऑफ ब्लैक होल।
ओके दोस्तों, तो अपने वाटरफॉल वाले एग्जांपल पर वापस चलते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि हम जितना वाटरफॉल के एज पर जाते हैं ना, पानी का फ्लो उतना ही ज्यादा तेज होता जाता है और हमें वाटरफॉल से नीचे गिरने से बचने के लिए उतनी ही ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। पर क्या हो अगर ये रिवर लाइट के स्पीड से बह रही हो तो? वेल, इस सिचुएशन में आप चाहकर भी इसके चंगुल से बच ही नहीं सकते। और आप क्या, अगर हम इसे स्पेस टाइम माने तो इससे कोई भी नहीं बच सकता, खुद यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। और यही है हमारा इवेंट होराइजन ऑफ ब्लैक होल, जहाँ पर स्पेस टाइम इवेंट होराइजन के अंदर ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से अंदर जाता है, और इसीलिए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर लाइट भी एक तरह से रुक जाती है। और इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद सिंगुलैरिटी में तो स्पेस के फ्लो होने की ये स्पीड लाइट स्पीड से भी कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए ना तो वहां से लाइट तक बाहर आ सकती है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। इसलिए आज तक भी वैज्ञानिक नहीं जानते कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के अंदर आखिर होता क्या है। टाइम डायलेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिवर फ्लो एनालॉजी। तो इसे हम एक ब्लैक होल के एग्जांपल से समझेंगे। देखो, ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट जहां स्पेस टाइम का फ्लो काफी ज्यादा तेज होता है, वहां पर मौजूद लोग किसी दूसरे ग्रह जिसका खुद का मास भी कम है और वो उस ब्लैक होल के कंपैरिजन में एक बहुत ही कम मास वाले स्टार को ऑर्बिट कर रहा है, उस प्लैनेट पर मौजूद लोगों की तुलना में उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास मौजूद लोग समय का एक तेज फ्लो महसूस करेंगे। वैसे आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई ब्लैक होल के पास तो समय धीमा हो जाता है, तो हम ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम के फ्लो को फास्ट होने की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर जरा ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा मास होगा ना, वो उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उसके अराउंड टाइम का बहाव भी उतना ही ज्यादा तेज हो जाएगा। लेकिन वही समय का बहाव कम मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ पर मौजूद इंसानों के लिए काफी धीमा होगा। दिमाग घूम गया ना? अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए गए गार्गेंचुआ ब्लैक होल के पास मौजूद प्लैनेट पर टाइम का बहाव अर्थ की तुलना में कई गुना ज्यादा था, राइट? अरे इसीलिए तो वहां पर कूपर और उसके क्रू द्वारा बिताए गए कुछ मिनट्स अर्थ के कई सालों के बराबर स्पेस टाइम के बहाव के बराबर थे, राइट? इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो उस ब्लैक होल के पास मौजूद प्लैनेट पर समय का बहाव काफी तेज था, इसीलिए वहां कुछ मिनट्स बीतने पर ही अर्थ पर कई डिकेड्स बीत गए। और यही कारण है कि अर्थ के नजरिए से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर मौजूद लोग काफी ज्यादा स्लो मूव करते हुए दिखेंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक होल के अराउंड समय काफी धीमा हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में मौजूद लोगों के पर्सपेक्टिव में समय बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होगा, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखा था। समझ आया? वेल, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना, सेकंड टाइम में ये सब कुछ और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाई दिस इज बेटर देन न्यूटन्स लॉ। तो देखो, वैसे तो इसके कई कारण हैं, पर हम यहाँ पर एक न्यूटन के ग्रेविटी फार्मूला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, जो कि है डिफरेंट डिफरेंट मास होने के बावजूद अर्थ पर गिरने वाले दो ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन रेट पर कैसे गिरते हैं। और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है ना, तो अब तक आप इसका जवाब जान ही गए होंगे। अब इस पूरे वीडियो का एक रिकैप करते हुए वापस से ध्यान से समझते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता ही नहीं है, बल्कि अर्थ खुद 4D स्पेस टाइम में एक्सेलरेट होकर उनसे जाकर टकराती है। इसीलिए उन ऑब्जेक्ट्स के मास में कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, अर्थ सभी से सेम एक्सेलरेशन रेट पर ही टकराएंगे। और ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेस टाइम डायमेंशन का फ्लो मास एंड एनर्जी के केंद्र की ओर होता है, और क्योंकि ये पूरा स्पेस टाइम ही उस मास के अंदर सक हो रहा है, इसीलिए हम डिफरेंट वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ स्पेस के हर डायमेंशन में लगातार एक फिक्स्ड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर एक्सेलरेट कर रही है। यही एक्सेलरेशन हमें अर्थ से चिपका कर रखता है, ना कि ग्रेविटी। और इसी एक्सेलरेशन के कारण अर्थ के इन्फ्लुएंस में मौजूद स्पेस टाइम और उसके साथ हर एक ऑब्जेक्ट की ओर अर्थ खुद एक्सेलरेट होकर उसे जाकर हिट करती है। समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए इसे दोबारा भी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका ग्रेविटी और स्पेस टाइम से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस पूरे मामले का आपको एकदम इन डेप्थ जानकारी मिल गया होगा कि आखिर क्यों अंडा नीचे नहीं गिरता बल्कि धरती ऊपर आती है। काफी सारे लोगों ने मेरे पॉडकास्ट पर आकर भी कहा था कि आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो ये रहा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर अगर आपके मन में कोई और सुझाव है कि यहाँ पर कोई और मॉडल सही से बैठ सकता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ भी नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, जाने से पहले My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश, साथ ही साथ मौका पाओ iPhone 15 जीतने का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाओ और डाउनलोड करो।
अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।